हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये केक है, मैंने 1 kg का चॉकलेट स्पंज केक लिया है और इस केक को मैं जो शेप दूंगी, मैं शेप में देना चाह रही हूँ, बटरफ्लाई की शेप देना चाहेंगे। लेकिन इसमें इसे बनाने से पहले मैंने क्या किया, जब हम लेयरिंग करते हैं तो लेयरिंग करने के बीच में मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपको बनाना सिखाए हैं वो मैं इसमें दिखाऊंगी। जैसे हमारी ये फर्स्ट लेयर है, इसमें मैंने किया है ना कि जो बास्केट नोज़ल लेते हैं, बास्केट का डिज़ाइन बनाते हैं, वो नोज़ल लेके इसमें बास्केट का डिज़ाइन बनाना सिखाया है। तो इससे हम क्या करना है कि हम एक केक में 2-3 तरीके के डिज़ाइन एक ही टाइम में बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें फर्स्ट लेयरिंग में क्या करा, बास्केट नोज़ल से इसका डिज़ाइन दे लिया, आपको बास्केट बनाने की प्रैक्टिस भी हो गई और लेयरिंग भी हो गई। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें, चाहे इसे स्प्रेड कर दें। मैंने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद स्पून से देखिए, एक ही लेयर में हमारे 2 डिज़ाइन हो गए। यानी कि हम इस तरीके से लेयरिंग करते हुए डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट लेयर हुई है, सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर में भी क्या है, हम कोई ना कोई डिज़ाइन लेंगे। अब मैंने ग्रास नोज़ल लिया है। ग्रास नोज़ल में देखिए, इसमें जो इसको प्रेस करने का स्टाइल है, इसमें जैसे हल्के से प्रेस किया तो ये फ्लावर्स का डिज़ाइन आ गया, और अगर इसी को हम बहुत तेज़ी से प्रेस करके और ऊपर लंबा खींचेंगे तो ये ग्रास का डिज़ाइन आ जाएगा। तो इसी तरीके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लेयरिंग में हम अपनी क्रीम तो हमें स्प्रेड करनी है, तो हम उस क्रीम को इस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं कि तो हम डिज़ाइन भी सीख लें और हमारी लेयरिंग भी हो जाए। यानी कि एक केक में हमारे 2-3 टाइप के डिज़ाइन हम अपना हाथ जो है परफेक्ट कर सकते हैं। ये सारी लेयरिंग करने के बाद अब मैंने इसे बीच से कट कर दिया है, क्योंकि मुझे जो बटरफ्लाई का शेप देना है उसमें हमें क्या करें, सेंटर से कट करेंगे और दोनों को ऐसे अपोजिट साइड में थोड़ा सा टेंट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे। और फिर हमने इसके जैसे ट्रायंगल होते हैं ना, साइड साइड से, दोनों साइड से ट्रायंगल ऐसे ले लेने हैं। और बस ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का जो, दोनों साइड के जो ट्रायंगल हैं, हमें एक ही लाइन में, एक सीधी लाइन में काटने हैं। यानी कि एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल का जो क्या कहते हैं ना कि मेज़रमेंट, वो इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमने इसकी क्रम कोटिंग कर ली। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने वही पाइपिंग बैग में क्रीम भर के फिर इसको, इसमें क्रीम स्प्रेड करी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट हैं इसलिए हमें इसकी फिनिशिंग में ध्यान देना होगा। तो फिनिशिंग में क्या करना है, जो ये कॉर्नर है ना, इसे कॉर्नर को अच्छे से फिनिशिंग देनी होगी। अदरवाइज़ ये जो, अगर हम ये फिनिशिंग ढंग से नहीं देंगे तो बटरफ्लाई की जो शेप है ना वो बहुत अच्छी सी नहीं आएगी, तो वो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा फिर केक की डिज़ाइनिंग में। तो ये शेप देने के लिए आपको बहुत देखना है कि जहाँ जहाँ पे हमने वो ट्रायंगल कट दिए हैं या दोनों स्क्वायर कट करके मिलाए हैं, उसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पे हमारी जो एजेस हैं वो शार्प होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो शेप में मज़ा नहीं आएगा। अब साइड की हमने जो कर ली, इसकी फिनिशिंग कर ली है, इसके बाद वही ऊपर की लेयर में हम क्या है, स्प्रेड कर देंगे फिर से क्रीम को, और रफली हम इसको स्प्रेड कर देंगे। वो रफली इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसकी साइड प्लेन नहीं रखनी, हमें इसको फिल करना है। तो उसे फिल करने के लिए हमको इससे कोई मतलब नहीं होता कि ऊपर की साइड हमारी प्लेन है कि नहीं है, लेकिन हमारे एजेस बहुत शार्प होने चाहिए, वो बहुत फिनिशिंग होनी चाहिए उसमें। तो इस तरीके से मैंने इसकी शेप भी दे ली। आई होप आपको जो इसकी शेप बटरफ्लाई की शेप लग रही होगी जैसा मैंने किया है, जितनी मेहनत मैंने इसमें करी है, क्योंकि इसके शेप देने के लिए ये तो आपको हम स्ट्रेट क्या कहते हैं, स्पीड में दिखाते हैं ना वीडियो को, लेकिन अगर हम इसे बहुत जैसे जेन्युइन, अगर ये जब बनी हुई है वीडियो उस तरीके से दिखाएं तो इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अब इसमें मैंने क्या करा ना, क्रीम में कलर नहीं किया है, मैंने क्या किया, ऐसे सिंपल कलर लिया, और ये मेरा पिंक लिक्विड कलर है, इसको मैंने ब्रश में करके तब लगाया है। क्योंकि अगर हम क्रीम में मिलाते हैं तो क्रीम में क्या होता है ना, कितनी बार वो क्रीम कलर मिली हुई क्रीम बच जाती है, तो फिर वो वेस्ट जाती है, हम उतनी सी क्रीम कहीं और यूज़ भी नहीं कर सकते, और क्रीम थिन भी हो जाती है, पतली हो जाती है, फिर उसको फिनिशिंग देने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। तो मैंने इस बार ये ट्राई किया कि हम ऐसे ब्रश से क्रीम मिलाएं, और उसके बाद मैंने ये कार्ड से इसे स्मूथ कर लिया है, तो ये भी ठीक रहा, कोई मतलब इसमें खराबी नहीं रही। लेकिन हाँ, क्रीम में अगर हम कलर मिला के करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसे फिल करना था इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करता ये। अब इसमें मैंने जब क्या किया, बटरफ्लाई का जो शेप है उसे ड्रॉ करा, तो ड्रॉ करने से पहले मैंने क्या करा था, इस केक को ना, मेरी गलती ये हुई कि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के कारण ये जो अपर लेयर है क्रीम की, ये थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, इसलिए इसे, इसका जो शेप देना है, जो डिज़ाइनिंग बनाना
बनानी है बटरफ्लाई की, उसे बनाने में इसमें दिक्कत आ रही थी। देखिए क्रीम बार बार टूथपिक में लग जा रही है, मुझे इसे टिश्यू पेपर से इसे पोंछना पड़ रहा है, पर ठीक है। इस गलती से बस ये ध्यान रहा कि आपको अगर केक में कभी कोई डिज़ाइन ड्रॉ करना है तो आप केक को फ्रिज में मत रखिए, पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद भले ही आप फ्रिज में रख दीजिए। मेरी क्रीम मेल्ट हो रही थी, गर्मी का टाइम था, इसलिए मैंने सोचा फ्रिज में रख दूँ। देखिए इसका ये ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको अलग अलग कलर हमें मिला के, क्योंकि बटरफ्लाई के डिफरेंट कलर होते हैं, कलरफुल हमें इसे बनाना है, तो मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ऑरेंज मेरा ये लिक्विड कलर है, जेल कलर नहीं है, लिक्विड कलर लिया है। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं। और ये जो नोज़ल मैंने लिया है, ये स्टार नोज़ल लिया है, सबसे छोटा वाला, इसमें कोई नंबर नहीं पड़ा था, बस ऐसे ही स्टार नोज़ल करके आया था ये। तो उस छोटे से, मतलब जब हमें ये अलग अलग डिज़ाइन ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने होते हैं ना, तो जनरल मतलब बहुत कॉमन सी बात है कि हम छोटा स्टार नोज़ल ही लेते हैं। अगर बड़ा लेंगे तो वो सारा डिज़ाइनिंग ही नहीं आएगी, उसी से फिल हो जाएगा। तो इसकी आउटिंग मैंने ये ऑरेंज कलर के केक कलर से की है, ऑरेंज कलर की क्रीम से ये आउटिंग कर दी। फिर इसी तरीके से इसके चारों तरफ हम इसे फिल कर लेंगे। और बाकी अब ये जो अलग अलग ये तीन शेप बची हैं, इसमें मैंने एक में क्या किया, ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर भी मेरा लिक्विड कलर है, क्योंकि मैं ये लिक्विड कलर बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि जेल कलर अगर लेंगे तो उसका जो कलर का शेड है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और कोई बात नहीं है। अब ये ग्रीन कलर ले लिया, और ग्रीन कलर के बाद इसके बाद मैंने इसमें क्या करा है, ग्रीन से भी सब तरह का फिल किया। नोज़ल वही है मेरा स्टार नोज़ल, सब में आप डिफरेंट नोज़ल ले सकते हैं, कलर भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। मुझको जो समझ में आया वो मैंने लिया, लेकिन इससे पूरा फिल करने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि कलर अगर मैं कुछ और लेती तो ये शायद और अच्छी लगती। खैर अब ये मैंने बरगंडी कलर लिया है, और इसमें थोड़ा सा पिंक कलर मिलाया है, जिसमें कि बरगंडी कलर मेरा जेल कलर है और पिंक कलर मेरा लिक्विड कलर है। और इसको मुझे क्योंकि थोड़ा और डार्क चाहिए, इसलिए मैंने इसे आइसिंग बैग में भी कलर डाल के उसे स्प्रेड कर दिया, ताकि मुझे डार्क कलर मिल सके। क्योंकि अगर मैं कलर क्रीम में कलर मिलाती रहूँगी तो क्रीम कड़वी हो जाएगी, लेकिन डार्क कलर तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हमें अगर डार्क कलर चाहिए तो हमें आइसिंग बैग में थोड़ा सा कलर डाल दें, उसे स्प्रेड कर दें, तो हमें ये जिस तरीके से डार्क कलर चाहिए वो मिल जाएगा। अब इस वाइट कलर से ना हमें बटरफ्लाई का जो मुंह है वो बनाना था। अब हमें क्या करेंगे, पहले से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा सा निकालेंगे, फिर इसे पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। इससे क्या करेंगे, एक जैसे कहते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाती हम इंग्लिश में, उस तरीके से या इस तरीके से उभार सा आएगा, वरना वो उभार नहीं आ रहा था। और ये जो मैंने इसकी आईज़ और जो नोज़ बनाया है, ये मैंने थोड़ा सा गनाश बनाया था, उस गनाश से मैंने इसको ही बनाया, क्योंकि इसे गनाश से ही बनाएंगे, क्रीम मेल्ट करके नहीं बनाना। क्योंकि अगर क्रीम मेल्ट करके बनाएंगे तो थोड़े टाइम बाद जब ये सूख जाएगा तो ये क्रीम कह रही हूँ मैं, चॉकलेट मेल्ट करके बनाएंगे अगर हम, तो चॉकलेट जब सूखेगी, ड्राई होगी, तो वो झड़ जाएगी। इसलिए हमें इसे गनाश से ही बनाना पड़ेगा। गनाश से बनाने के बाद मैंने ये दो टूथपिक से इसके एंटीना बना दिए हैं। और ये जो बॉर्डर कर रहे हैं, ये भी हमारा स्टार का नोज़ल है, लेकिन बड़ा नोज़ल है, ये भी ऑरेंज कलर है, और इसकी मैंने इसे आउटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारी ये बटरफ्लाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये बटरफ्लाई आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इसको इसमें आपको जो कुछ अच्छा लगा वो बताइएगा, जो अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।